हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये है बूट का स्ट्रोम डिवाइस, जो स्मार्ट वॉच है आजकल बहुत ही सब लोगों के यहाँ हाथों में दिखता है और काफ़ी यूज़फुल थिंग्स है, तो होनी भी चाहिए। इससे आपको ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और स्टेप्स, आपका नोटिफिकेशन, मोबाइल फ़ोन नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये डिवाइस है स्ट्रोम बूट की, तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। और चलो ये इसको कैसे कनेक्ट करना है फ़ोन के साथ तो ये देख लेते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन्स है, यहाँ पे आपको कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन चलेगा, तो इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इसको जो परमिशन देनी है वो परमिशंस आप देने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे दिखता है, यहाँ पे जाना है, ऐसे यूज़ नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्ट्रोम को सिलेक्ट करना है, रिफ्रेश करते हैं, स्ट्रोम को ये मोड पे रखना है, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कंफर्म बाइंड विद डिवाइस पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे जाके ओके क्लिक करने के बाद डिवाइस में आपका कनेक्टिविटी का ऑप्शंस आपको शो करेगा। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन देनी है सारी है, जैसे कि आप मेल फीमेल हैं, यहाँ पे आपको सब क्लिक करना है, जस्ट क्लिक का क्लिक पे नेक्स्ट 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 करना है, यहाँ पे अलाउ करना है ओके। ये आपका डिवाइस का सिंक्रोनाइजेशन टाइम पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, तो सिंक्रोनाइजेशन 100% होने तक आपको वेट करना है। अभी 50% हो गया, तुरंत हो जाता है, एक बार सिंक्रोनाइज करोगे तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, ये सिंक्रोनाइज हो गया डिवाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग भी देखिए, ये 8:30, 8:30। अभी जो मेन चीज़ है इसकी, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि डिटेल्स, स्टेप्स, आपने कितने चले आज दिन भर में, ये शो कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे को डिवाइस में आपको कॉल सेट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको अलाउ करना है, अलाउ करने के बाद इसको भी अलाउ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका ऑन हो गया टाइम। फिर आप SMS या अलार्म भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ये आप खुद चेक कर लीजिए आपके फ़ोन के हिसाब से। SNS अलर्ट मतलब क्या है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसमें सारे एप्लीकेशन शो हो रहे हैं, जैसे कि आपको टेक्स्ट मैसेज गूगल का, फिर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, जिसमें आप इसको इनेबल कर सकते हैं। गूगल को कर देता हूँ अलाउ, बूट को अलाउ कर देते हैं, तो इसके SMS आपको मिलते रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको कॉल अलर्ट करना है, तो कॉल अलर्ट तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। थीम चेंज करने के लिए भी डायल सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायल है, तो इसको हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्लाउड वॉच में जाके सारे क्लाउड वॉच में से कोई भी एक वॉच सेलेक्ट कर सकते हो,
सेट वॉच सिंक्रोनाइजेशन टाइम होने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कितना फास्ट होता है। ये हो गया आपका सिंक्रोनाइजेशन, चालू है चालू है चालू है, और अभी हो गया है डन। डन होने के बाद जैसे ही डन होता है, ये वाली जो थीम थी आपकी आपके वॉच में दिख रही है। ओके, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये क्लाउड वॉच नहीं चाहिए आपको, अपना खुद का रखना है तो आप इसमें जाके एल्बम में से सिलेक्ट करके आप रख सकते हो। आपको जैसे भी जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट करके इसमें रख सकते हो पूरे। ओके, और यहाँ पे आपको सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद वॉच की डिटेल्स बता देता है, यहाँ पे कितना बैटरी बाकी है वो सब बता देता है। फिर थोड़ा अभी वॉच के अंदर चलते हैं। वॉच के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जानने के लिए ये देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर मैसेजेस का पता आएगा। यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर या फिर इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, फिर ब्लड प्रेशर, ये सब पता चलेगा। यह स्पोर्ट मोड है, यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो। बैक करने के लिए आपको यही की प्रेस करनी है। यहाँ पे आपको मिलता है ये सारे ऑप्शंस है इसमें, फाइंड डिवाइस, नाइट मोड, ये आपका हार्ट रेट, और ये बैंड इन हैंड। ओके, इसको बैक करते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप का पता चलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, म्यूज़िक कंट्रोल सेट कर सकते हो।